हेलो स्टूडेंट्स, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यूज की। लेकिन कब? जब आपका एंगल रेंज से बाहर हो। ठीक, उसी संदर्भ में पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसका आपको मान ज्ञात करना है। अब देखिए, एंगल देखिए तो 2π/3, π/3 होता है 60, 60 इंटू 2 करोगे 120, है ना। जबकि साइन इनवर्स की रेंज आपने पढ़ रखी है -90 से +90, -π/2 से +π/2 के बीच होती है। यानी कि अभी ये एंगल रेंज से बाहर है। ठीक है, आप इसको अगर ऐसा भी लिख देते हो साइन इनवर्स साइन 2π/3, 2π/3, ठीक है ना, ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। लेकिन ये मुख्य मान आपका नहीं होगा। मुख्य मान जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है ना, रेंज -π/2 से π/2 को मुख्य मान कहते हो, उस रेंज का वैल्यू नहीं होगा। मैंने आपको जब इंट्रोड्यूस करवाया था साइन इनवर्स से, तो मैंने कहा था कि अगर आप साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इस प्रकार का बनता है। ठीक, इस प्रकार का आपके पास ग्राफ बनता है। यानी कि ये 0, ये पाई, ये 2π, यहां पर π/2, यहां पर -π/2, ये माइनस का पाई, माइनस का 2π। ठीक, यानी कि उतनी ब्रांच ना आप ले सकते हो, चाहे 1 1 और 2l। तो हमने एक ब्रांच ली थी -π/2 से +π/2, है ना। इस ब्रांच में फंक्शन 1 1 और 2 हो रहा था। ठीक, और इसी को आपने प्रिंसिपल ब्रांच कही थी। उसके बाद आप ये भी तो जानते हो कि π/2 से है ना अगला 3π/2, यहां तक अगर लेते हो आप π/2 से 3π/2, यानी कि इस रेंज में, डोमेन के इस रेंज में लेते हो, यहां भी फंक्शन आपके पास देख सकते हो 1 1 और 2 होता है। ठीक, यानी कि इस ब्रांच की कुछ और वैल्यू होगी। यानी कि ये जो 2π/3, इतना रहा π/3 60, 120 डिग्री ना, 120 इस रेंज में तो पड़ रहा है आपके पास, ये 270 हो गया, ये 90, है ना, 90 एंड 270 के बीच में आएगा आपके पास 120। यानी कि इस ब्रांच की वैल्यू आपको मिलेगी, इस ब्रांच की वैल्यू पता चलेगी, जो कि गलत तो नहीं है। लेकिन हम तो क्या जानते हैं, हम तो प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक, जब कुछ भी ना कहा जाए, जब कुछ भी ना कहा जाए, इसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान याद कीजिए, तब भी हम प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू निकालें। अगर ये कहे साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान याद कीजिए, तब भी हम प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू निकालेंगे। अगर इस ब्रांच की वैल्यू पूछे हो, ठीक है ना, अगर इस ब्रांच की वैल्यू पर्टिकुलरली पूछे, तब जाके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। यानी कि अगर ये कहता है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का ब्रांच π/2 से 3π/2 में मान कीजिए, तब इसका आंसर ये सही होता इस वाली ब्रांच में। ठीक, अब इसने कुछ नहीं कह रखा तो प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू आप निकालोगे। ठीक, प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2। ठीक, देखिए इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन लिखना, माना तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक, यानी कि रेंज से बाहर है, 120 डिग्री है, 90 से ज्यादा है, रेंज से बाहर है। तो हमारे सामने ये चुनौती है कि हम इस 2π/3 को अपनी रेंज में ले आए। ठीक, देखिए फिर कैसे लाते हैं इसको रेंज में। इंप्लाइज y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये तो ठीक ही है। यहां से देखिए साइन, मैं इस 2π/3 को, 2π/3 को ऐसा लिख देता हूं, π - π/3, π - π/3 का भी देखो सॉल्व करोगे 3π - π, 2π 2π/3 ही आएगा आंसर। ठीक, 2π/3 आएगा। ठीक, यानी 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, π - π/3।
implies y is equal to sin inverse, और देखिए sin pi minus pi by 3, coordinate अगर coordinate axis की बात करें तो pi angle कहां पर आएगा, ये यानी कि x axis को cross करने पर sin cos में changes नहीं होता है, sin का sin ही रहेगा, कहने का meaning ये sin pi by 3 आएगा, ठीक। और पाई माइनस पाई बाई थ्री है तो इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो कुल मिला के साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री। अब देखो पाई बाई थ्री 60 डिग्री, ठीक है ना, अब ये रेंज में आ चुका है आपके पास, साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री, अब हम पाई बाई थ्री लिख सकते हैं इसको, ठीक, यानी कि साइन इंप्लाइज वाई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, क्योंकि ये रेंज में आ गया ना, पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आ गया है, यानी कि अब आप सीधे सीधे हटा सकते हो, तो इसकी फुल वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी y इक्वल टू पाई बाई थ्री आंसर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर का मान ज्ञात करना आपको, देखिए फिर से टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, देखिए थ्री पाई बाई फोर रेंज से बाहर है या अंदर, देखिए ऐसे पता नहीं चल रहा है, तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, डिग्री में इसकी रेंज माइनस 90 से प्लस 90, पाई बाय 4 45, ठीक है ना, पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्री, उसका तीन गुना करना है, 45 गुना 90 और 45 ऐड करोगे 135, ठीक, 3 पाई बाय 4 मींस 135 आ रहा है, जो कि 90 से ऊपर चले जा रहा है, यानी कि रेंज से बाहर है, अंदर है, ठीक, तो उसको रेंज में लाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए सॉल्यूशन, माना वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन, मैंने को इसको ऐसा लिख दे रहा हूं, पाई माइनस पाई बाई फोर, पाई माइनस पाई बाई फोर, ठीक, फोर पाई माइनस पाई, थ्री पाई, थ्री पाई बाई फोर, ठीक है ना, कभी भी देखिए अगर नीचे का अंक ज्यादा होता है ऊपर से, ठीक है ना, ऊपर का अंक एक कम होता है तो आप माइनस लगाइए, अगर ऊपर का अंक ज्यादा होता है, अगर मान लो 5 पाई बाई 4 दिया होता है, 5 पाई बाई 4 अभी ज्यादा अंक था ना, तो आप प्लस करके लिखते हो, पाई प्लस तब जाके पाई बाई 4, 4 प्लस 1 5 पाई बाई 4 आ जाता है, ठीक। तो कभी भी ये आपने लॉजिक लगाना है कि ऊपर कम आपको दिख रहा है, एक कम दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, माइनस पाई माइनस करके लिख दो, ठीक, अगर एक ज्यादा दिख रहा है तो आप पाई प्लस करके लिख दो, ठीक है, ताकि पाई प्लस पाई माइनस करके साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होते, जब भी पाई वाली लाइन को क्रॉस करते हैं तो चेंज नहीं होते, अब ये लॉजिक बता सकते हैं, ठीक। अगर बाय द वे ऐसा होता 7 पाई बाई 4 होता था, 7 पाई बाई 4, फिर ऐसे ही लॉजिक लगाइए, ऊपर क्या है ज्यादा अंक है ना, ऊपर ज्यादा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, 7 है ना, 4 से ज्यादा है तो प्लस करना होगा, ठीक, पाई बाई 4 भी लिख ही डालो इसमें, अब देखो 4 पाई प्लस पाई, 5 ही रह रहा है, कितना कम, 2 कम जा रहा है, 2 कम मींस यहां 1 था तो 2 यहां ऐड कर देते, 3, यानी कि 4 पाई प्लस 3 पाई तब जाके 7 पाई बाई 4 आए, ऐसे तो हो गया, ठीक। उसी प्रकार से अगर आपके पास कुछ कम डिजिट होता है, जैसे पाई बाई 4 या पाई बाई 6 के टर्म में लिखो, पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 होता, ठीक, इसको आपने तोड़ना होता, चलो 5 तो पाई माइनस पाई बाई 6 करके हो जाएगा, ठीक, और कम कीजिए इसको 4 3 2, यहां से तो पेंसिल नहीं हो रहा है, अगर इसको आप 3 पाई बाई 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे पाई बाई 6 से उतना खास आपको दिखेगा नहीं, ठीक। चलो अगर पाई बाई 8 के टर्म में होता और यहाँ 5 होता, ठीक, पाई बाई 8 होता और यहाँ 5 होता, तो आप ऐसे लिखते हो, कम है ना तो माइनस लगाओगे, ऊपर का मतलब ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस,
तो उसको तोड़ना है तो आप पाई माइनस करोगे, पाई बाई एट भी दिख रहा है, ठीक है पाई बाई एट। अब देखो एलसीएम लो तो एट पाई माइनस पाई कितना आएगा, सेवन पाई। दो और कम करना है, एक पहले से कम है, दो और करना है तो थ्री, यानी कि एट पाई माइनस थ्री पाई का चलिए फाइव पाई बाई एट, ऐसे तोड़ दिया इन एंगल्स को। ठीक, देखिए यहां आपके पास फोर था, यहां थ्री, ऊपर वाला कम था इसलिए मैंने पाई माइनस किया। ठीक, पाई बाई फोर दिख रहा था तो पाई बाई फोर लिखा। अब चेक किया कितना कम या ज्यादा हो रहा है, फोर पाई माइनस पाई थ्री पाई आ चुका है पहले से, तो अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो आप देखिए इंप्लाइज y इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन देखिए पाई बाई फोर है ना, पाई माइनस पाई बाई फोर कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, पाई माइनस पाई बाई फोर यानी कि यहां तक आपका पाई आया माइनस पाई बाई फोर यानी कि सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में टेन नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक, तो आप इसको माइनस टेन कहोगे, पाई है तो पाई में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन वाला पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू में कोई भी चीज चेंज होती है, यहां पर जीरो और पाई में चेंज नहीं होता है, तो पाई माइनस है तो टेन में ही रहेगा और यह आ जाएगा आपके पास पाई बाई फोर। ठीक, टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाई फोर। देखिए अभी इसमें एक लॉजिक और लग रहा है कि टेन इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा या आपके पास माइनस का टेन इनवर्स थीटा होता है, टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, अभी माइनस बाहर लाने की है ना, साइन इनवर्स से लेकर कोसेक इनवर्स में जब माइनस थीटा आता है तो माइनस किस प्रकार से बाहर आता है इसके लिए भी हमने बताना है। इससे अगला जो लॉजिक आएगा, अगला जो फैक्ट आएगा, इसी पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ अभी ये देख लो कि tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan pi by 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए pi by 4 45 रेंज में आ चुका है, माइनस pi by 2 से प्लस pi by 2 की रेंज में, आप सीधे सीधे इसको घटा सकते हो, tan इनवर्स tan कैंसिल मान सकते हो, तो pi by 4 रिटर्न कर देगा उसको। ठीक, तो इंप्लाइज y इक्वल टू कितना जाएगा, यहां से आपके पास y आ गया माइनस तो पहले से है ही। ठीक, tan इनवर्स tan घट जाएगा, केवल रिटर्न कितना आएगा पाई बाई फोर, तो इसका आंसर आपको मिल गया, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस का पाई बाई फोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास cos इनवर्स cos 7 पाई बाई फोर। ठीक, पाई बाई फोर होता आपके पास 45 इंटू सेवन करना, देखिए रेंज से बाहर चले जाएगा, 315 के करीब आ गए। ठीक, जबकि cos इनवर्स की रेंज आपने 0 से 180 पढ़ी थी, यानी 0 से पाई तक पढ़ी थी ना, यानी रेंज से बाहर है, तो इसको आपने रेंज में लाना होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप इतना माना, y इक्वल टू cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 4। ठीक, अब देखिए इसको नीचे 4 है ऊपर 7, तो प्लस करना पड़ेगा। देखिए उसके साथ एक और देखिए, ये 4 है ना, ये 4 का दुगना 8, 8 के इर्द गिर्द का नंबर है इसका। ठीक है, तो आप क्या करो, पाई प्लस ना करके, पाई प्लस ना करके 2 पाई कर दो, दुगने के आसपास दिख रहा है ना नंबर, तो दुगना पाई कर दो। ठीक, यानी कि 4 के इर्द गिर्द जैसे 3-5 दिखते, ठीक है, तब पाई प्लस कीजिए, है ना, इसके दुगने के आसपास दिख रहे हैं तो 2 पाई प्लस या माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तिगुने के आसपास दिख रहे हैं तो 3 पाई प्लस या 3 पाई माइनस, 4 गुने के आसपास दिख रहे हैं तो 4 पाई, इस रूप में करोगे। ठीक, तो देखिए 4 का दुगना 8 है ना, उसके आसपास का नंबर है इसे, तो इसलिए मैं 2 पाई करके लिखना चाहता हूँ, इसको पाई करके 2 पाई। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई यानी कि 8, लेकिन 7 8 से छोटा है ना, छोटा लाने के लिए माइनस करना होगा अभी पाई बाई 4। देखो अब इसको सॉल्व करोगे, अगर एलसीएम चार होगी तो कितना आएगा, 8 पाई डेढ़ पाई 7 पाई 7 पाई बाई 4, यानी मैं इसको 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ स्प्लिट करके। ठीक, यानी कि y इक्वल टू आपने इसको क्या लिख दिया, cos इनवर्स
कॉस, इसको मैंने लिख दिया टू पाई माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, क्योंकि इसके दुगने के आसपास दिख रहा था ये वाला नंबर, इसलिए मैंने टू पाई, तिगुने के आसपास दिख रहा होता तो थ्री पाई लिखता, चौगुने के आसपास दिखता होता तो फोर पाई, इस रूप में जितने की भी मल्टीपल के इर्द गिर्द दिख रहा है उतना पाई लीजिए आप, ठीक। और फिर जैसे दुगना था ना एट हो जाता था, उससे छोटा नंबर है तो माइनस, बाय द वे इसकी जगह नाइन होता तो एट से ज्यादा होता, उसके लिए प्लस करना पड़ता आपको, ठीक, टू पाई प्लस पाई बाई फोर लिख के अगर नाइन पाई बाई फोर होता, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस टू पाई माइनस पाई बाई फोर, अब देखो कॉस टू पाई माइनस पाई बाई फोर, फिर से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में आइए, टू पाई, टू पाई कितना चक्कर होता है यहां तक का, माइनस पाई बाई फोर यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कॉस पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक, कॉस पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब ये टू पाई वाली लाइन को क्रॉस कर देना एक्स एक्सिस को, तो चेंज नहीं होगा, कॉस में ही रहेगा, ठीक। तो इंप्लाइज वाई इक्वल टू क्या गया आपके पास, कॉस इनवर्स पॉजिटिव रिजल्ट दिया और कॉस में ही रहा, चेंज नहीं होगा, और ये पाई बाई फोर, देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई फोर, अब ये पाई बाई फोर रेंज में है कॉस के, तो आप सीधे सीधे हटा सकते हो दोनों को, तो कुल मिला के यहां से वाई आ गया आपके पास, इंप्लाइज वाई इक्वल टू पाई बाई फोर, वाई इक्वल टू पाई बाई फोर, ठीक, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। अगर यही लिख देते सेवन पाई बाई फोर तो ये किसी और ब्रांच की वैल्यू देता, प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू नहीं देता, गलत नहीं होता वो, ठीक है, सेवन पाई बाई फोर लिख देते अगर इसका आंसर, गलत नहीं होता, लेकिन इस सेंस में उसने खुद कहा होता है कि उस रेंज में आप ढूंढिए, ठीक है ना, उस ब्रांच में ढूंढिए, पर्टिकुलरली पूछेगा तब जाके आप लिखोगे इतना, लेकिन जनरली पूछता नहीं है, आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच के ही दिखेंगे, ठीक है ना, खाली मान ज्ञान की चीज कह रहा है तो भी प्रिंसिपल ब्रांच का करना है, मुख्य मान ज्ञान की चीज कह रहा है तब तो आपने प्रिंसिपल ब्रांच का वैल्यू ढूंढना ही है, ठीक, क्योंकि अगर ये उस ब्रांच की वैल्यू पूछेगा तब तो कुछ भी नहीं होगा ना, क्वेश्चन ही काम देगा, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन कब करेगा जब प्रिंसिपल वैल्यू की पूछेगा, तब आपका लॉजिक लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक, तो कभी भी उस ब्रांच का क्वेश्चन देता ही नहीं है, ठीक है ना, कभी भी क्वेश्चन देता तो प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछो कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच की ही वैल्यू बताओ कहते हैं, अगर नहीं भी कह रखा है मेंशन खाली मान याद करो कह रहा है तो भी हम प्रिंसिपल ब्रांच की ही वैल्यू होगी, ठीक। फिलहाल इसका आंसर आ गया पाई बाई फोर, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करते रहेंगे हम आगे को, ठीक है, थोड़ा सा एक थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, जब आपके पास एंगल में माइनस दिखाओगे, जैसे माइनस आ गया था ना टेन इनवर्स माइनस थीटा, में माइनस टेन इनवर्स थीटा, ये वाकई में होता है या होता भी है या नहीं इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में क्या माइनस सीधे सीधे बाहर आ जाएगा सब में, ये चेक करते हैं, ठीक। देखिए फिर मैं सबसे पहले ये चेक करना चाहता हूं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा कितना आएगा आंसर, क्या सीधे सीधे माइनस बाहर आ जाएगा या कुछ और लॉजिक लगेगा इसमें, ठीक। तो इसकी बात करते हैं, इसके प्रूफ की बात करते हैं, ठीक। तो मैंने कहा माना, देखिए मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जितने भी आपके इनवर्स फंक्शन होते हैं किसी एंगल को डिनोट करते हैं, किसी एंगल को डिनोट करते हैं, जैसे ना आपके पास साइन थीटा था बराबर एक्स, तो यहां से थीटा साइन को उधर ले गई तब जाके तो वो साइन इनवर्स बना, तब जाके वो साइन इनवर्स एक्स बना। आप जानते हो साइन के अंदर एंगल रहता है कोई, यानी ये थीटा क्या एंगल, मींस ये थीटा क्या एंगल, यानी कि ये थीटा इक्वल टू रहा, ये भी क्या है आपके पास एंगल, कहीं ना कहीं जो इनवर्स फंक्शन होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब ये इनवर्स हमारा कॉम्प्लिकेटेड एंगल है, हम तो सिंपल एंगल किस फॉर्म में जानते हैं ए बी सी या थीटा फाई इस रूप में, ठीक। तो मान लेता हूं ये कॉम्प्लिकेटेड जो एंगल है उसको एक सिंपल एंगल मान लेता हूं मैं, ताकि काम आसान हो जाए, ठीक। माना साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसको मैं एक सिंपल एंगल ए मान लिया, ठीक, इसको सिंपल एंगल ए मान लिया,
क्योंकि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एंगल तो होता है, उसको मैंने एक सिंपल एंगल मान लिया। ठीक, अगर मैं साइन इनवर्स को यहाँ ले जाऊं तो साइन आ जाएगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम सॉल्व करना आसानी से जानते हैं। तो कभी भी रूल होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का कि उस इनवर्स को आप एंगल मान लीजिए, फिर उसको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर दीजिए, तब जाके वहां से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। ठीक, तो यहाँ से साइन इनवर्स राइट में गया तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू कितना आ गया, माइनस थीटा। ठीक, अब मैं माइनस को इधर शिफ्ट करना चाहता हूँ, माइनस को मैं इधर शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये माइनस का साइन ए इक्वल टू थीटा, साइन का माइनस ए इक्वल टू थीटा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा का किस टर्म में लाना है, इसको कहीं ना कहीं साइन इनवर्स थीटा के टर्म में आंसर चाहिए, फिर देखता हूँ यहाँ क्या कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए मैंने माइनस को इधर शिफ्ट किया ताकि थीटा सिंगल दिख जाए, फिर इसके साथ मुझे इनवर्स ले जाना है, इस तरह थीटा के साथ साइन को इनवर्स के रूप में ले जाना है, लेकिन ये माइनस दिक्कत कर रहा है, इस माइनस को मैं अंदर भेज दूं, क्योंकि आप जानते हो साइन माइनस ए कितना होता है, साइन माइनस ए माइनस साइन ही होता है, माइनस का मीनिंग क्या होता है, 360, यानी कि अगर आप साइन 360 माइनस थीटा करो, या इसको सिंपली हम साइन माइनस थीटा कहते हैं, ठीक है, 360 में जो भी आता है, जैसे 360 माइनस थीटा, उसको सिंपली माइनस थीटा भी कहते हैं। ठीक, यानी कि आपके पास माइनस का साइन थीटा होता है, तो मैं इसी को रिवर्स करना चाहता हूँ, माइनस साइन ए को, इस माइनस को मैं अंदर भी ले जा सकता हूँ, ठीक, ताकि मैं साइन को इसको राइट में ले सकूं थीटा के साथ। ठीक, तो फिर मिला के ये आ जाएगा आपके पास साइन माइनस ए इक्वल टू थीटा। ठीक, तो यहां से माइनस ए इक्वल टू कितना जाएगा, साइन इनवर्स थीटा, माइनस ए आपके पास साइन इनवर्स थीटा, यहां से a की वैल्यू है ना, a आपने sin इनवर्स माइनस थीटा माना था, तो चलो इसको माइनस को राइट में भेज दीजिए, a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का sin इनवर्स थीटा। अब a की वैल्यू रखिए, a कितना था आपके पास, sin इनवर्स माइनस थीटा, यानी कि ये आ गया आपके पास sin इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin इनवर्स साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, यानी कि माइनस सीधे सीधे बाहर आ गया। ठीक, लेकिन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। ठीक, और कॉस इनवर्स में देखेंगे उसमें सीधे सीधे माइनस बाहर नहीं आएगा। ठीक, अगला कॉस इनवर्स के लिए देखते हैं, अगला देखो कॉस इनवर्स माइनस थीटा। ठीक, मैं चाहता हूँ कि कॉस इनवर्स थीटा के टर्म में कितना लिखा जाएगा, यानी माइनस सीधे सीधे बाहर आ जाएगा या कुछ और भी आएगा उसमें से, है ना, इस बॉक्स में मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्म देखते हैं, मैंने कहा माना वाई इक्वल टू, माना वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस थीटा, सॉरी y मान, आप a भी मान सकते हो। ठीक है, चलो जनरली हम एंगल ए बी सी से दिखाते हैं, तो a मान लिया आपने। ठीक, तो माना a इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस थीटा, क्योंकि इनवर्स एक एंगल होता है, ये जटिल एंगल दिख रहा था, हमने एक सिंपल एंगल a मान लिया इसे। अब cos इनवर्स को cos में चेंज कर देते हैं ताकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए आपके पास, आपके पास cos a आ जाएगा आपके पास cos a इक्वल टू माइनस थीटा, cos a माइनस थीटा। ठीक, माइनस को इस तरफ शिफ्ट करिए, अगर माइनस इस तरफ शिफ्ट करते हो आ जाएगा आपके पास माइनस cos a इक्वल टू थीटा। ठीक, देखो cos नेगेटिव रिजल्ट कौन से क्वाड्रेंट में देगा, सेकंड में भी cos नेगेटिव होता है, थर्ड में भी cos नेगेटिव होता है, यहां पर अगर आपको देखना तो पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, cos पाई माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस cos थीटा। ठीक, तो इस माइनस cos a को मैं लिख देता हूं cos पाई माइनस a, इसको मैंने लिख दिया cos पाई माइनस a, माइनस हटाना जरूरी क्यों था,
क्योंकि मुझे थीटा के साथ कॉस इनवर्स चाहिए, थीटा के साथ कॉस इनवर्स ले जाने में ये माइनस दिक्कत कर रहा था, इसलिए मैंने माइनस को अंदर शिफ्ट करने के लिए देखा कि कहां वो नेगेटिव रिजल्ट देता है, उसमें आपने शिफ्ट कर दिया उसको। इक्वल टू कितना आ जाएगा ये थीटा, यानी कि पाई माइनस ए कितना आ जाएगा यहां से कॉस इनवर्स थीटा। तो यहां से मैं ए को राइट में ले जाता हूं, इसको लेफ्ट में, लेकिन इसको मैं लिखता लेफ्ट में, उलट दिया एलएचएस आरएचएस। तो ए इक्वल टू कुल मिला के कितना आ जाएगा फिर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब ए आपके पास था क्या, ए आपके पास था कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो कुल मिला के कॉस इनवर्स माइनस थीटा ये आ चुका आपके पास पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब देखिए सीधे सीधे माइनस बाहर नहीं आया, इसके साथ पाई के साथ माइनस बाहर आया, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक, तो इसी प्रकार से टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा, ये सीधे सीधे माइनस का टेन इनवर्स थीटा होता है, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो सेम जैसे हमने साइन इनवर्स को चेक किया था। ठीक है, मैं अभी इसको प्रूफ नहीं कराऊंगा, आप सेम साइन इनवर्स की तरह चेक कर सकते हो। उसी प्रकार से ऑड इनवर्स माइनस थीटा ये पाई के साथ बाहर निकलता है, पाई माइनस ऑड इनवर्स थीटा। ऐसे आप सेक इनवर्स माइनस थीटा देखोगे तो ये भी पाई के साथ बाहर निकलता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। उसी प्रकार से जो लास्ट रूल किया है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, इसमें सिंपली बाहर निकल जाता है आपके पास माइनस, यानी कि माइनस का कोसेक इनवर्स थीटा। ठीक, अब सिंपली आप इसको याद कैसे रखोगे, इसके लिए ट्रिक देखिए। माइनस बाहर या तो सीधे सीधे निकल जा रहा है या पाई के साथ, तो इस चीज को समझिए किन किन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये सीधे निकल जा रहा है और किसमें पाई के साथ निकल जाए। देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, ठीक, इसका उल्टा कोसेक इनवर्स माइनस थीटा और टेन इनवर्स माइनस थीटा, इन तीन रेशियोज में, इन तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में माइनस सीधे वाला है, माइनस का साइन इनवर्स थीटा, यहां आपके पास माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, टेन में माइनस का टेन इनवर्स थीटा। ठीक, अगले जो रेशियोज बच चुके हैं कौन कौन से, कॉस इनवर्स उसका उल्टा सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक, इनमें पाई के साथ बाहर निकलता है माइनस, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, यहां भी पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा और यहां पर कॉट इनवर्स माइनस थीटा, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक, मैंने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए प्रूफ करवाया था। ठीक, सेम इसी तरीके से जैसे साइन इनवर्स प्रूफ हुआ था, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स प्रूफ कर देना, ठीक उसी हिसाब से प्रूफ हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने कॉस इनवर्स को प्रूफ किया था, ठीक उसी वे में सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स भी प्रूफ आ जाएगा। ठीक, अगर प्रूफ नहीं भी आप करना चाहते हैं तो कोई नहीं, आप इन चीजों को याद रखिए कि साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स में माइनस सीधे बाहर आ जाता है, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स में पाई के साथ बाहर। ठीक, इससे बेसिक क्वेश्चन करेंगे आप, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास साइन इनवर्स माइनस हाफ का मान याद करना। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन पर अगर आते हो आप तो लिखना माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक, अब देखिए साइन इनवर्स में माइनस दिखता है तो माइनस सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, इंप्लाइज y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स हाफ। ठीक, अब ये साइन इनवर्स हाफ सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, अपने केस वाला ही y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स हटाना तो आपको साइन चाहिए होगा कहीं ना कहीं। ठीक, तो इस हाफ की वैल्यू साइन में कितनी होती है, पाई बाई सिक्स, यानी थर्टी पर साइन आपके पास हाफ वैल्यू देता है, तो इस हाफ को क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई सिक्स।
पाई बाई सिक्स साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, उस रेंज में पाई बाई सिक्स आ रहा है, यानी कि सीधे सीधे आप इसको घटा सकते हो, सीधे लिख सकते हो माइनस का पाई बाई सिक्स। तो इसकी आप जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई साइन इनवर्स माइनस आपकी माइनस पाई बाई सिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है देखिए कॉस इनवर्स माइनस हाफ का मान क्या है, ठीक फिर से सॉल्यूशन में आप इतना माना वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अब देखते हो कॉस इनवर्स में माइनस पाई के साथ बाहर निकलता है, इम्प्लाइज वाई इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, ठीक है इम्प्लाइज वाई इक्वल टू पाई माइनस, देखिए कॉस इनवर्स हटाना कहीं ना कहीं कॉस सी होगा आपको, है ना हाफ कॉस में किस एंगल की वैल्यू होती है पाई बाय थ्री, 60 डिग्री जिसको पाई बाय थ्री कहते हो, ठीक माइनस का आ जाएगा कॉस पाई बाय थ्री। क्या ये रेंज में है पाई बाय थ्री एंगल, बिल्कुल कॉस इनवर्स की रेंज होती है जीरो से पाई, पाई मीन्स 180 जबकि ये तो 60 है ना, जीरो से 180 के बीच में आएगा 60, यानी सीधे सीधे हटा सकते हो आप इसको, तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू पाई माइनस उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई थ्री इम्प्लाइज, अब आप कैल्सियम लोगे ना थ्री थ्री पाई माइनस पाई होगा थ्री पाई माइनस पाई अपॉन थ्री, क्योंकि कितना आ जाएगा टू पाई बाई थ्री, थ्री पाई में से पाई गया तो टू पाई बाई थ्री, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री का मान क्या आती है, ठीक इसके सॉल्यूशन में आना आप लिखना माना वाई इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब देखिए टेन इनवर्स में माइनस सीधे सीधे बाहर आ जाएगा तो माइनस का टेन इनवर्स रूट थ्री, ठीक टेन इनवर्स हटाना तो कहीं ना कहीं टेन को इंट्रोड्यूस करवाना होगा, टेन में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी कि 60 को आप क्या लिखते हो पाई बाई थ्री, यह आ जाएगा आपके पास माइनस का टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री, ठीक क्या रेंज में है टेन इनवर्स की रेंज होगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो पाई बाई थ्री तो पाई बाई टू से छोटा होता है यानी उस रेंज में आ रहा है, तो आप सीधे सीधे घटा सकते हो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई बाई थ्री। ठीक तो अब ऐसे क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखे, जैसे अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन देखे ना साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स में हमने सॉल्व किए, कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, इनमें हमने चेंज इनमें हमने क्वेश्चन नहीं किया अभी तक सॉल्व, ठीक तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में आने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखेंगे, ठीक उनको वापस जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में कॉट सेक और कॉसेक को वापस साइन कॉस में चेंज करते हो, उसी प्रकार से वहां भी चेंज करने के रूल होते हैं, इनवर्स में भी आप कॉट को कैसे टेन में कन्वर्ट करोगे, सेक इनवर्स को कैसे कॉस इनवर्स में चेंज करोगे, कॉसेक इनवर्स को कैसे साइन इनवर्स में चेंज करोगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।